1605 में आज ही के दिन मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का फतेहपुर सीकरी में निधन हुआ था। अकबर के शासन में हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों को बराबर प्यार और सम्मान मिला। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की थी। आज के दिन 1811 में सिलाई मशीन के आविष्कार आइजैक मैरिट सिंगर का जन्म हुआ था। 1904 में आज के दिन भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी यतीन्द्रनाथ दास उर्फ जतिन दा का जन्म हुआ। 1947 में आज के दिन जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में जम्मू कश्मीर के विलय को स्वीकार कर लिया था। 1966 में आज के दिन भारत के शतरंज खिलाड़ी दिव्येंदु बरुआ का जन्म हुआ। भारत में शतरंज के वे दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने 3 बार राष्ट्रीय खिताब जीता था। 1978 में मात्र 12 वर्ष की आयु में दिव्येंदु ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और वह भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। 1991 में उन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया था। 1982 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल का निधन हुआ था।